सो वेलकम टू जैन ट्यूटोरियल्स. इट इज जैन ट्यूटोरियल ऑनलाइन क्लास फोर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स. टुडे वी स्टडी क्लास 11th फिजिक्स. वी आर द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन एंड वीडियो नंबर 5. 1, 2, 3, 4 देख चुके हैं लग रहा है. लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोशन बहुत ईजी लगने लगा होगा आपको. साथ में इंपल्स ऑफ फोर्स पढ़ा दिए, एकदम क्लियरली समझ में आ गया होगा. पिछला वीडियो हम लोग गौर कीजिए, लास्ट में क्या पढ़े थे हम लोग. एक बॉडी को अगर किसी सरफेस के ऊपर रखते हैं, ध्यान सुनिएगा, जब भी एक बॉडी को दूसरा सरफेस के ऊपर रखते हैं, ए को एक सरफेस बी सी के ऊपर रखेंगे तो क्या होगा. ये जो बॉडी ए है उसका फोर्स नीचे की ओर, अर्थ का फोर्स काम करेगा, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, जिसको वेट भी बोलते हैं, क्या होगा, एम इंटू ए के जगह क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं. क्लियर है. और एक और फोर्स ऊपर की तरफ काम करता है, इसको आर बोलते हैं. हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो, थर्ड लॉ ऑफ मोशन. सो थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है. तो ये एक्शन है, ग्रेविटी अर्थ खींच रहा है उसको, वो बॉडी को एक सरफेस के ऊपर रखे हैं, अर्थ का फोर्स इस बॉडी को नीचे की ओर खींच रहा है, लेकिन सरफेस से ऊपर की तरफ, सरफेस के ऊपर की तरफ फोर्स काम कर रहा है, परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन. सच फोर्स इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन. इट इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन. टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ओपोजिट रिएक्शन. फोर अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा तो आर और एफ क्या होगा, सेम होगा. यानी आर इक्वल टू क्या होगा, इक्विलिब्रियम में एम जी, जितना नीचे उतना ऊपर. आर इज ए रिएक्टिव फोर्स, जितना फोर्स नीचे वेट है उतना ही ऊपर की ओर एक काम करेगा. आपको महसूस करना है तो एक छोटा सा कोई बॉडी को अपने सरफेस के ऊपर रखिए, जैसे मान लीजिए हथेली के ऊपर ही रखते हैं इसको, तो नीचे की ओर वेट काम कर रहा है, देख रहे हैं, ऊपर की ओर मेरा हाथ भी ऊपर की ओर फोर्स लगा रहा है. ये एक्शन हुआ तो मेरा हाथ भी अब ऊपर की ओर, अभी मेरे हाथ में कोई फोर्स नहीं लग रहा है. तो जैसे ये बॉडी रखे तो मेरा हाथ भी ऊपर की ओर एक फोर्स लगाया, बुक से नीचे की ओर एक फोर्स काम कर रहा है, अर्थ का ग्रेविटी. अब हाथ से ऊपर की ओर एक फोर्स काम करेगा जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्स, नॉर्मल फोर्स, रिएक्टिव फोर्स. इट इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉज ऑफ मोशन, थर्ड लॉ. कोई बॉडी को ऐसे रखे, मान लीजिए नीचे की ओर वेट, वेट बिल्कुल यही वाला है, यही है वेट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एम जी. अभी इंक्लाइंड प्लेन में एक बॉडी को रखे हैं, नीचे की ओर वेट, परपेंडिकुलर वर्टिकली डाउनवर्ड. अब इसका आर किधर खोजिए, इसका आर ये वाला होगा कि ये वाला होगा, कौन सा होगा, प्लेन पर परपेंडिकुलर. ये वाला आर नहीं होगा, ये वाला आर नहीं होगा. हम लोग पढ़ रहे हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. इक्वल तो इसके इक्वल तो ये दिख रहा है लेकिन नहीं होगा, क्योंकि ये जो नॉर्मल रिएक्शन है वो प्लेन पर परपेंडिकुलर होता है, प्लेन पर परपेंडिकुलर. तो ये वाला आर होगा, ये आर नहीं होगा. आर इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन. इंक्लाइन प्लेन है, बस आर को खोजने का बस तीन ही मेथड है, तीन ही जगह यूज होगा. या तो ऐसे रखा हुआ रहेगा, नीचे की ओर वेट एम जी काम कर रहा है, इधर की ओर आर होगा, ये वाला आर नहीं है. क्यों नहीं है, ये प्लेन पर परपेंडिकुलर नहीं है. अंडरस्टूड. दिस डायग्राम इज कॉल्ड फ्री बॉडी डायग्राम. इक्विलिब्रियम में रहेगा तो आर इक्वल टू एम जी. अब देखिए जितना आर जितना नीचे है एम जी उतना ही आर है ऊपर. आर इज इक्वल टू एम जी, आर इज इक्वल टू एम जी. इसमें आर और एम जी इक्वल नहीं है, इसमें आर और एम जी इक्वल नहीं है. बोलिए क्यों. इन दिस केस आर इज नॉट इक्वल टू एम जी. वाई, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ आर इज नॉट एग्जैक्टली सेम टू दैट ऑफ व्हाट, एम जी. आर इज परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन. इन दिस केस आर ठीक वर्टिकली अपवर्ड है, इसमें क्या हो रहा है, वर्टिकली अपवर्ड नहीं है, वो प्लेन पर परपेंडिकुलर है. ये आर और एम जी का डायरेक्शन अलग हो गया, सो वी कांट इक्वेट लाइक दिस. तो क्या करना पड़ेगा, हम लोग को चेंज करना पड़ेगा. एम जी को इधर घुमाएंगे, बोलिए थीटा एंगल से उधर घुमाएंगे तो एम जी नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा. आर इज नॉट इक्वल टू एम जी, आर इज नॉट इक्वल टू एम जी. क्लियर है. R इज इक्वल टू, ध्यान से सुन लीजिए, आगे यूज होने वाला है, mg cos थीटा.
आर इज नॉट इक्वल टू एम जी, आर इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। सवारा कि नहीं, ये आर और एम जी बराबर नहीं है, है ना, ये आर और एम जी बराबर नहीं है, क्लियर है। इस एम जी को इधर घुमाइएगा तो क्या हो जाएगा, एम जी कॉस थीटा। तो R इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू एम जी, बट R इक्वल टू क्या होगा, एम जी कॉस थीटा। व्हाट इज R, R इज द नॉर्मल रिएक्शन, R इज द नॉर्मल रिएक्शन। अगर एक वर्टिकली डाउनवर्ड होगा तो R इक्वल टू एम जी, R इक्वल टू F, R इक्वल टू एम जी। वेन नॉट वर्टिकली अपवर्ड डाउनवर्ड देन यू हैव टू मेक इट कंपोनेंट, घुमाना पड़ेगा। ये एम जी को इधर घुमाएंगे तो एम जी एम जी नहीं रहेगा। हम कितना बार कर चुके हैं, वर्टिकल सॉरी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थीटा से उधर घुमाइए, बेस है इसके लिए, लेकिन ये इसके लिए बेस है तो खोज ये जो एम जी है उसको उधर घुमाएंगे तो एम जी एम जी नहीं रहेगा, कॉस थीटा हो जाएगा। सो आर इज नॉट इक्वल टू एम जी, बट इट इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। नोट करिए, आर के बारे में सब कुछ बता दिए तो लोग पता चल गया, क्या पता चल गया कि आर इज इक्वल टू एम जी जब प्योरली वर्टिकली डाउनवर्ड हो, और अगर आर ऐसे एम जी ऐसे तो एम जी को इधर घुमाएंगे, सबको पता है क्या होता है, एम जी कॉस थीटा। कोई डाउट नहीं किसी को? तो नॉर्मल रिएक्शन कैसा फोर्स है, एक रिएक्टिव फोर्स है, एक रिएक्टिव फोर्स है। चलिए अब हम लोग देखें सिलेबस में दो को टॉपिक दिया, हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉन्टेक्ट फोर्स के बारे में, दो टॉपिक पढ़ना है वेरी, इसे न्यूमेरिकल तो पक्का आएगा, फ्रिक्शन और एक होता है टेंशन, फ्रिक्शन एंड टेंशन, फ्रिक्शन एंड टेंशन, कॉन्टेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन एंड टेंशन, ये दो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अभी, क्लियर है। तो चलिए थोड़ा सा आप लोग 8, 9 क्या इवन 6 क्लास से सुनते आ रहे होंगे, 5 क्लास फ्रिक्शन के बारे में सुनते आ रहे होंगे, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन क्या होता है, फ्रिक्शन एक बॉडी को जब दूसरा बॉडी के साथ संपर्क में रखते हैं, ठीक है, और एक फोर्स लगाते हैं इसको खींचने के लिए, अप्लाइड फोर्स। तो देखिएगा कि तो आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ता है कभी, तो एक रोकने वाला फोर्स आपको महसूस होगा, आप इसी से में से रगड़ के देखिए, आपको लगेगा कुछ रोक, आपके जस्ट ओपोजिट डायरेक्शन में एक रोकने वाला फोर्स है, ये फोर्स कहां से आ गया, इसी रेजिस्टिव फोर्स को बोलते हैं हम लोग फ्रिक्शनल फोर्स, और ये जो यहां प्रक्रिया हो रहा है उसका नाम हो गया फ्रिक्शन। ना सुनिए, जब एक फोर्स अप्लाई करते हैं एक बॉडी में तो एक रेजिस्टिव फोर्स होता है जो मोशन को अपोज करता है ओवर द सरफेस, ये अपोजिंग फोर्स जो होता है या रेजिस्टिव फोर्स जो होता है इज सिंपली कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स, और ये प्रक्रिया है यहाँ पे उसमें को बोलते हैं फ्रिक्शन। सबको जानते हैं इसके बारे में, हम लोग चलते हैं तो भी फ्रिक्शन, हम लोग लिखते हैं तो भी फ्रिक्शन, देर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स इन विच फ्रिक्शन टेक्स प्लेस, अंडरस्टूड। तो क्यों होता है फ्रिक्शन, तो चलिए हम लोग अभी थोड़ा सा बात करते हैं। देखिए जब भी कोई सरफेस को, इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर थ्योरी है, बहुत सा थ्योरी है, जब भी कोई एक सरफेस को दूसरा सरफेस में हम लोग कॉन्टेक्ट में रखते हैं तो सरफेस जो होता है वो प्योरली प्लेन नहीं होता, थोड़ा थोड़ा क्या होता है, खुरदरा होता है, ऐसे जिग जैग मोलिकुल्स आपस में जमे हुए होते हैं। तो इसका मोलिकुल, सरफेस का मोलिकुल और बॉडी के मोलिकुल्स आपस में फंस जाते हैं, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, है ना, आपस में क्या होते हैं, इंटरलॉक हो जाते हैं, इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स टेक्स प्लेस बिटवीन द टू सरफेस, वही जाम करके रख दिया है, इसीलिए उसको क्या करने के लिए, उस फोर्स को हम लोग को हटाने के लिए जितना फोर्स अप्लाई कर रहे हैं शायद काफ़ी नहीं हो, तो थोड़ा एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है टू ओवरकम दिस रेजिस्टिव फोर्स। रेजिस्टिव फोर्स कौन सा फोर्स है, फ्रिक्शनल फोर्स, उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग को कुछ एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ये थ्योरी को बोलते हैं मॉलिकुलर थ्योरी बोलते हैं। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द सरफेस, कितना पार्टिकल्स इंटरलॉकिंग हो रहे, एकदम प्योर, जैसे ये प्योर एकदम क्या है, स्मूथ है, तो इसके पार्टिकल्स उबड़ खाबड़ नहीं है, रेंडमली इधर उधर प्लेस्ड नहीं है, ठीक है ना, इसमें बहुत कम इंटरलॉकिंग होगा,
लेकिन यहाँ पे इस तरह का सरफेस अगर रहेगा, इस तरह का सरफेस अगर रहेगा तो क्या होगा, आपस में इंटरलॉकिंग अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, इंटरलॉकिंग अगर ज़्यादा हो गया तो ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, अंडरस्टूड। तो यानी फ्रिक्शन क्या है, सबसे पहले तो आप लोग सबको जानते हैं द फोर्स विच अपोजेज अपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर द अदर सरफेस, द फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर द अदर सरफेस इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को नाम है, एंड इज द प्रोसेस इज कॉल्ड, ये जो प्रक्रिया हो रहा है इस कॉल्ड क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रिक्शन बोलते हैं। यहाँ पे जो फोर्स है जो मोशन को अपोज कर रहा है इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, फ्रिक्शन बोलते हैं, और फोर्स का नाम है फ्रिक्शनल फोर्स, एफ एफ या एफ आर भी कुछ भी बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर है, द फोर्स विच अपोजेज द मोशन ऑफ ए बॉडी ओवर द अदर सरफेस इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, एंड प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रिक्शन बोलते हैं, और ये क्यों होता है, तो ड्यू टू क्या चीज, इंटरलॉकिंग, ड्यू टू इंटरलॉकिंग मतलब पार्टिकल्स के फंस जाने से, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ सरफेस, सॉरी पार्टिकल्स ऑफ सरफेसेस बिटवीन द टू बॉडीज, बिटवीन द टू बॉडीज, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सरफेसेस बिटवीन द टू बॉडीज द फ्रिक्शन टेक्स प्लेस, अंडरस्टूड, ड्यू टू इंटरलॉकिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सरफेस का आपस में क्या हो जाना, इंटरलॉकिंग का हो जाना, इसके चलते होता है फ्रिक्शन, अंडरस्टूड, इसके चलते होता है फ्रिक्शन, नोट कीजिए। नाउ देर आर टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, दो तरह के फ्रिक्शन होते हैं, एक को बोलते हैं हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन और एक को बोलते हैं हम लोग रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग क्या बता, जब कोई बॉडी को घसीटते हैं किसी के ऊपर, कोई बॉडी को घसीटते हैं, कोई बॉडी को किसी सरफेस के ऊपर ऐसे खींचिए तो उसमें जो फ्रिक्शन होगा वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा, और जब कोई बॉडी रोल कर रहा है, जैसे ये बॉडी रोल कर रहा है, कोई बॉडी रोल करते करते ऐसे आगे बढ़ रहा है, साइकिल का टायर, साइकिल का टायर और बिटवीन द अर्थ सरफेस, सरफेस जिसके ऊपर चल रहा है साइकिल का टायर, उसमें टायर और फ्रिक्स, टायर और सरफेस के बीच में, टायर और सरफेस के बीच में फोर्स है, उस फोर्स का नाम है रोलिंग फोर्स। हम लोग घसीट के चलते हैं, चलते हैं तो घसीट के माना गया, स्लाइडिंग है ना, स्लाइडिंग है। तो सिंपल सा डिफिनेशन है कि व्हेन ए बॉडी स्लाइड्स ओवर ए सरफेस, फ्रिक्शन विल बी स्लाइडिंग, ऐसे घसीट के ले जाना, घिसक, कोई बॉडी ऐसे गिर रहा है, इस सरफेस के ऊपर से कोई बॉडी गिर रहा है, बोलिए कौन सा फ्रिक्शन होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। क्लियर है, कोई बॉडी ऐसे आगे बढ़ रहा है तो कौन सा होगा, रोलिंग फ्रिक्शन। मतलब कब, ये कब होता है, व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर ए सरफेस, व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर ए सरफेस, व्हेन ए बॉडी रोल्स ओवर ए सरफेस, जब कोई बॉडी सरफेस के ऊपर रोल करता है तो कौन सा फ्रिक्शन होता है, रोलिंग फ्रिक्शन। कोई बॉडी अगर स्लाइड करता है तो कौन सा होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन।
अंडरस्टूड। अगर अगर बॉडी शेप सेम है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होगा, बट आगे पता चल जाए कारण, और रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है। साइकिल का टायर को घसीट के ले जाइए और उसको रोल करते हुए ले जाइए, तो क्या होगा, रोलिंग फ्रिक्शन हमेशा कम होगा, रोकने वाला फोर्स कम होगा, स्लाइडिंग फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। अंडरस्टूड, इस बात को भी नोट कर लीजिए। स्लाइडिंग फ्रिक्शन, व्हाट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, अंदाज हो गया लोग चलते हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, साइकिल का टायर अगर रोल करते हुए आगे बढ़ता है, रोलिंग फ्रिक्शन है। कौन ज़्यादा होगा, रोलिंग की स्लाइडिंग, आंसर होगा रोलिंग फ्रिक्शन, है कि नहीं। रोलिंग फ्रिक्शन कम होता है, कम रोकने वाला है, स्लाइडिंग ज़्यादा होता है। कौन, तो किसको हम लोग करना चाहिए, रोल करते हुए कोई बॉडी को ले जाना चाहिए किस की स्लाइड करते हुए, तो आंसर होगा रोल करते हुए ईजी होगा ले जाने में, क्योंकि वहाँ पर फ्रिक्शन हम लोग को कम मिलेगा। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो या रोलिंग फ्रिक्शन हो, अब ये भी तीन तरह के होते हैं। स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो या रोलिंग फ्रिक्शन हो, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग और रोलिंग फ्रिक्शन। फर्स्ट को हम लोग बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन, और तीसरा को बोलते हैं हम लोग काइनेटिक या डायनामिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, अभी कोई फार्मूला भी नहीं मिला हम लोग को। अब देखिए नाम है स्टैटिक, मतलब बॉडी रेस्ट में, ध्यान सुनिए, कोई बॉडी को दूसरा बॉडी का सरफेस में रख दिए, एक बॉडी को दूसरा बॉडी के सरफेस के ऊपर रख दिए हम लोग, क्लियर है, एक बॉडी को रख दिए, फोर्स लगा रहे हैं, अप्लाइड फोर्स, तो रोकने वाला फोर्स है कि नहीं, है कि नहीं, हम जितना लगाएंगे उतना नहीं मिलेगा। अगर क्या हो गया होगा, यहाँ पे इंटरलॉकिंग हो गया होगा, 10 न्यूटन लगाइएगा तो 10 न्यूटन नहीं मिलेगा। अगर अप्लाइड फोर्स कम है और फ्रिक्शनल फोर्स रोकने वाला ज़्यादा है तो क्या होगा, तो उस केस में बॉडी विल बी इन रेस्ट, बॉडी विल बी इन रेस्ट एंड द फोर्स इज सेड टू बी, ठीक है, अप्लाइड फोर्स कम है, फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है तो क्या होगा, बॉडी विल बी इन रेस्ट। हमको लगाना है ये रोकने वाला 20 न्यूटन और हम एक साल तक लगाएंगे 15 न्यूटन फोर्स, लो लगाते रहो, रोकने वाला 20 और लगाने वाला 15, मोशन में आएगा बॉडी, कभी नहीं आएगा, क्योंकि इंटरलॉकिंग बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बहुत ज़्यादा है, है कि नहीं, इतना इंटरलॉकिंग से ज़्यादा लगाएंगे तो कुछ बात हो सकता है, क्लियर है। इंटरलॉकिंग के चलते फ्रिक्शन आ गया, फ्रिक्शन को हटाने के लिए फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा है, अप्लाइड फोर्स कम है, द बॉडी विल नॉट मूव। सच स्टेट ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शन एंड दिस फ्रिक्शनल फोर्स इज कॉल्ड स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। जो यह फ्रिक्शनल फोर्स, इसका नाम क्या हो जाएगा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स। अंडरस्टूड, तो मतलब क्या, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द, लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स, व्हेन द अप्लाइड फोर्स इज लेस देन द फ्रिक्शनल फोर्स, द Body will not move. The body will not move. On किस पर? Surface पर. The body will not move on surface. तो such जो opposing frictional है, friction is called static friction बोलते हैं. और जो force वहाँ पे काम कर रहा है frictional में, is called static frictional force बोलते हैं. अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्या होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन में नाम ही में आंसर है, लिमिटिंग फ्रिक्शन में इतना फोर्स अप्लाई करते हैं जितना है फ्रिक्शनल फोर्स, उतना ही फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अभी भी बॉडी मूव नहीं करेगा, लेकिन पूरा ये इतना फोर्स लगा चुके हैं कि ये इंटरलॉकिंग खत्म हो गया, मतलब बॉडी अब
मूव टू, मतलब अबाउट टू मूव, बॉडी विल अबाउट टू मूव नहीं करेगा, अभी भी रेस्ट में रहेगा, लेकिन बॉडी इक्विलिब्रियम, जितना उधर उतना इधर, बॉडी खुला खुला हो गया है ना, आप थोड़ा सा भी ज़्यादा फोर्स लगेंगे तो बॉडी विल बी मूव. सच इज कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. वेन द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू, इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, द बॉडी विल नॉट मूव ऑन सरफेस, बट क्या होगा, बट क्या होगा, अबाउट टू क्या हो जाएगा, मूव. वेन द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द फ्रिक्शनल फोर्स, द बॉडी विल नॉट मूव ऑन द सरफेस बट अबाउट टू मूव, सच फ्रिक्शन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, लिमिटिंग फ्रिक्शन बोलते हैं. इसमें क्या होता है, अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, सच फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसको बोलते हैं हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शनल फोर्स. तो लिमिटिंग जब भी रहेगा अप्लाइड फोर्स के सेम रहेगा, स्टैटिक जब भी रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स ज़्यादा होगा, अप्लाइड फोर्स कम होगा. बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, पढ़े भी होंगे इक्विलिब्रियम कब होता है, जब सब तरह का फोर्स बराबर होता है, है कि नहीं. बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम, बॉडी संतुलन का अवस्था में है, तो कब होता है, जब अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स. लिमिटिंग फ्रिक्शन का स्टेट में बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम. क्लियर है, समझ आ गया अच्छा से, तो नोट कर लीजिए. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भी, और भी बहुत सा टॉपिक क्वेश्चन न्यूमेरिकल वगैरह बताने वाले, नोट कर लीजिए.